क्या आदित्य राय कपूर बोरिंग है? क्या उनके कपड़े बोरिंग है? क्या आदित्य जब बात करते हैं तो आप सो जाते हैं? क्या आदित्य का अपीयरेंस ऐसा है कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी देखकर किसी को भी वहां से चले जाने का मन करता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा बाबा, ये तो चंकी पांडे ने कहा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बेटी का बाप होना भी आसान काम नहीं। बेटी को खुश रखना है तो उसी की बोली बोलना होगा। तभी तो चंकी पांडे आजकल बेटी अनन्या को खुश करने में लगे हुए हैं। जब से अनन्या का आदित्य से ब्रेकअप हुआ, तभी से पापा चंकी पांडे को आदित्य राय कपूर बोरिंग लगने लगे। जी हाँ, हाल ही में चंकी पांडे ने अपनी बेटी अनन्या के एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य को मारा ताना, और ताना भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि बोल दिया बोरिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे पिछले कुछ दिनों से आदित्य राय कपूर के साथ ब्रेकअप के चर्चे को लेकर खबरों में है। हालांकि अब तक अनन्या या आदित्य किसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी सबूत बताते हैं कि दोनों अब रिश्ते में नहीं है। तभी तो अनन्या इटली में भला अकेले क्यों घूमती हुई दिखी? क्यों, है ना सही बात? लेकिन चंकी पांडे का ये कहना कि आदित्य कपूर बोरिंग है, उनको भारी पड़ गया है। आदित्य के फैंस ने ट्रोल तो किया ही, साथ ही चंकी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। क्या करें, बेटी के बाप जो ठहरे, बेटी की खुशी में ही इनकी खुशी है, इसीलिए ब्रेकअप के बाद आदित्य को ही बोरिंग ठहरा दिया। इधर बेटी का ब्रेकअप हुआ, उधर प्यारे पापा का एक वीडियो सुर्खियां बटोरने लगा, जिसमें वो बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड यानी आदित्य राय कपूर के साथ दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद हर तरफ इसी की चर्चा है। आपको बता दें, चंकी पांडे ने ये बयान अपनी बेटी को खुश करने के लिए नहीं दिया, बल्कि ये डायलॉग तो उनके नए एड का हिस्सा है। हाल ही में चंकी पांडे ने आदित्य राय कपूर के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक का एड किया, जिसमें आदित्य की एंट्री होती है। वो व्हाइट और येलो शर्ट में दिखाई देते हैं और जैसे ही आराम फरमाने की कोशिश करते हैं, तभी चंकी पांडे की एंट्री होती है, जो आदित्य को उनके शर्ट के कलर की शिकायत करते हैं और कहते हैं, अरे सर, ओनली सिंगल येलो, आप बहुत बोरिंग है, आपको अपनी मस्ती का अंदाज डबल करना चाहिए। वीडियो में चंकी पांडे एक शॉप ओनर के रोल में नजर आ रहे हैं। दोनों के इस एड की खूब चर्चा भी हो रही है। वैसे तो दोनों का ये वीडियो ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग नापसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों अनन्या और आदित्य के ब्रेकअप की खबरें जोरों पर है और कपल ने अब तक इन खबरों पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि जब तक ये खबरें कंफर्म नहीं होती, ये ससुर दामाद की जोड़ी ठीक नहीं है। वहीं कुछ को ये विज्ञापन फनी और एंटरटेनिंग लग रहा है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, हमें कभी नहीं लगा था कि ये दोनों साथ आ सकते हैं। तो दूसरे ने कहा, ससुर जी और दामाद जी एक ही फ्रेम में, वाह क्या बात है। तो एक और यूजर ने लिखा, इस कॉन्सेप्ट के पीछे कौन है, मुझे जानना है। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें आदित्य राय कपूर और चंकी पांडे का साथ काम करना पसंद नहीं आया। जो भी हो, ये काफी मजेदार है। क्या लगता है आपको, प्लीज कमेंट। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।